पाँच साल पहले लव स्टोरीज वन में जब हमें कभी खुशी कभी गम का म्यूजिक सुनने को मिला था तो तुम लोग समझ गए हो मैं कौन से वाले सीन की बात कर रहा हूँ। और उसी से वो मूवी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और इसीलिए नेटफ्लिक्स वालों ने सोचा क्यों ना इसका सीक्वल बना दिया जाए। तो इसका सीक्वल फाइनली आ रहा है और इसका टीजर ड्रॉप हो चुका है। तो लव स्टोरीज 2 आपको नेटफ्लिक्स पे ही देखने को मिलेगी इसी महीने 29 जून को। और अभी टीजर आया है इसका मतलब अभी ट्रेलर भी आने वाला है कुछ ही दिनों में। तो पुरानी वाली अगर मूवी में कियारा आडवाणी, राधिका आप्टे और नेहा धूपिया थी तो इस मूवी में भी कमी नहीं मिलने वाली है क्योंकि काजोल है, मृणाल ठाकुर हैं और तमन्ना भाटिया हैं। तो मतलब है अच्छा खासा है, मतलब कंटेंट मिलेगा यहाँ पे भी। मजाक की बातों को दूर करें तो और अच्छी कास्टिंग भी देखने को मिलती है यहाँ पे, जैसे कि विजय वर्मा और नीना गुप्ता का कैरेक्टर भी है। नीना गुप्ता के डायलॉग्स हमें ज़्यादातर सुनाई देते हैं पूरे टीज़र में जो 1 मिनट से भी कम का है। वो डायलॉग्स कहीं ना कहीं कॉमेडी वाले भी होते हैं, ऊपर से कहीं ना कहीं जो मॉडर्न लव का कॉन्सेप्ट है उसको भी दिखाते हैं। ये मूवी भी एंथोलॉजी वाली होने वाली है। एंथोलॉजी आप समझते ही हो कि 4 स्टोरीज़ या 5 स्टोरीज़, पिछले वाले में 4 चल रही थी, अलग अलग स्टोरीज़ होंगी, वो कनेक्टेड नहीं होंगी पर उनका थीम मेन होने वाला है। जैसे यहाँ पे अलग अलग स्टोरीज जितना मैं गेस कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि मृणाल ठाकुर का वो शादी वाली थीम हो सकती है, शादी होने से पहले वाली। तमन्ना भाटिया वाले कैरेक्टर की वो हो सकती है कि उनका ऑलरेडी किसी के साथ रोमांस चल रहा है, तो मे बी एक कपल वाली थीम। काजोल वाली थीम यहाँ पे इतनी समझ में नहीं आ रही है। बेसिकली ये टीज़र है तो इससे हम ज़्यादा स्टोरी को गेस नहीं कर सकते हैं, पर मूवी हमें पता है किन चीज़ों पे बात करने वाली है, वही सेक्सुअल टॉपिक्स, अडल्ट टॉपिक्स जैसे कि लस्ट, डिज़ायर्स और जो मॉडर्न लव वाला कॉन्सेप्ट है जैसे कि स्टार्टिंग बताया वो, और ऊपर से मैसेजेस डिलीवर करने की कोशिश होगी। तो यही था लव स्टोरीज 2 के टीज़र का रिव्यू। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।